बहुत लोग इस वेट लॉस को लेके ही कंफ्यूज है। उनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, मसल लॉस करना है, ये क्या कर रहा है? मैंने कई बार ऐसे भी नोटिस किया है कि पीपल गेट वेरी ऑब्सेस्ड विद द विंग्स के। ये लोगों के बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि ये शादी आ रही है घर में या हमें छुट्टी पे जाना है, सो आई वांट टू लुक गुड। 3 महीने के लिए दे आर ओके टू यू नो काम ऑन सब छोड़ के सबैटिकल लेके दिन में 4 घंटा वर्कआउट करना, क्रैश डाइट करना। आई एम नॉट अ फैन ऑफ दिस, आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। इतनी सारी डाइट्स हैं, मतलब कि देयर सो मेनी, लाइक एवरी आई थिंक 1 month अ न्यू डाइट कम्स अप। ये लोगों को समझना जरूरी है कि एक बर्गर से या एक पानी पूरी से वेट गेन या फैट गेन नहीं होता। योग के हिसाब से हमारा स्टमक आधा खाने से भरना चाहिए, 1/4 ऑफ वाटर एंड 1/4 शुड रिमेन एम्प्टी फॉर प्रॉपर डाइजेशन। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि उतना एक वो मिलिट्री लॉ नहीं चलता बॉडी पे। आप जब खाने पे बैठोगे तो फर्स्ट हैव योर प्रोटीन, यू विल सी के ऑटोमेटिकली आप उतने कार्ब्स नहीं खा पाओगे। सो आई कॉल दिस कॉन्सेप्ट बीइंग लाइफ सेंट्रिक। द लाइफ दैट आई एम, उसके लिए बेस्ट क्या है? नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ वृंदा और मैं हूँ शुभम एंड वेलकम टू आवर चैनल बॉडी माइंड एंड बियॉन्ड। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेट लॉस। हम सब चाहते हैं वेट लॉस करना, अच्छा दिखना, अपने फेवरेट कपड़ों में फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालना, बट उसका सही तरीका क्या है, हेल्दी वे क्या है, मोस्ट ऑफ अस डोंट नो दैट। ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को तो लेके बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन माइंड के बारे में कोई नहीं जाता। जिस तरह माइंड वेट लॉस को इन्फ्लुएंस करता है, बहुत लोग नहीं जानते। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन वृंदा से हम ये जानेंगे कि माइंड कैसे वेट लॉस को इन्फ्लुएंस करता है। सो लेट्स बिगिन। सो शिवम, ये वेट लॉस का फंडा क्या है? तो पहले तो समझते कि वेट लॉस होता क्या है। बहुत लोग इस वेट लॉस को लेके ही कंफ्यूज है। उनको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, मसल गेन करना है, मसल लॉस करना है, ये क्या करना है? तो जब मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि वेट लॉस के बारे में नहीं बात करते, लेट्स टॉक अबाउट बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब आपका जो बॉडी फैट है और जो लीन मसल मास है, उसे इम्प्रूव करना। तो एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू गेन अ लिटिल बिट ऑफ लीन मसल मास एंड वॉन्ट्स टू रिड्यूस अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी फैट, बिकॉज मसल वेज मोर देन फैट। तो जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो कहीं ना कहीं मसल बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका वेट इफेक्ट होगा। तो वेट चाहे आप चाहते होंगे कि एटलीस्ट 2 to 3 kgs हफ्ते में वेट गिरे, बट बिकॉज ऑफ वेट ट्रेनिंग इट माइट नॉट बी द सेम, बट यू विल स्टिल लूज इंचेस, विच इज आवर गोल। क्योंकि मुझे अभी भी याद है शिवम, जब भी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी जब पहले स्टार्ट की थी तो सब बोलते थे कार्डियो करो, कार्डियो करो और ज़्यादा वेट ट्रेनिंग मत करो तो वेइंग स्केल पे वेट नहीं गिरेगा। सो दैट मेक्स सो मच सेंस व्हाट यू जस्ट शेयर्ड। करेक्ट। तो जब हम प्रोग्रेस की बात करते हैं कि जब कोई वेट लॉस की जर्नी पे और उसे सही तरीके से देखना है कि वो उस पाथ पे आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो द बेस्ट वे टू डू इट इज इन 2 or 3 डिफरेंट वेज। एक तो यस डेफिनेटली वेइंग स्केल, बिकॉज नंबर्स डोंट लाई, तो कहीं ना कहीं वो नीडल अगर शिफ्ट होते जाएगी, इट्स ऑफ कोर्स अ मोटिवेटिंग फैक्ट फॉर अस कि हमारा वेट कहीं ना कहीं कम हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहते होंगे कि 2 kg कम हो हफ्ते में, बट शायद 1 ही kg कम हो रहा है, तो आप सोचेंगे सही हो रहा है गलत हो रहा है। इसके लिए टेप मेजर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे ही जैसे आप कैलोरी डेफिसिट करोगे, आप थोड़ा सा कार्डियो करोगे, आप वेट ट्रेनिंग करोगे, आपकी बॉडी और टाइट होते जाएगी, जिसका मतलब है कि इंचेस लॉस, इंच लॉस होगा, वेट लॉस शायद उतना नहीं होगा। यस, जिसके पास वेट है लूज करने के लिए उसका होगा, बट जो लोग ऑलरेडी काफ़ी लीन है और जिनको थोड़ा सा और ट्वीक करना है, उनके लिए और बेनिफिट होगा कि वो इंच लॉस पे फोकस करें, वेट लॉस पे उतना नहीं। बिकॉज मैंने कई बार ऐसे भी नोटिस किया है कि पीपल गेट वेरी ऑब्सेस्ड विद द वेइंग स्केल, मतलब कि वो अगर थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं तो दे आर स्केयर्ड टू गेट ऑन द वेइंग स्केल, तो वो ऑब्सेशन बहुत काउंटर प्रोडक्टिव होता है, विच आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द माई फिटनेस प्रोफेशन। तो वो जो ट्रिकी पार्ट है कि उसको बैलेंस में कैसे रखना है, वेट को सही परस्पेक्टिव से कैसे उसको एनालाइज करना है, उसमें उसके बारे में आप शेयर कीजिए।
एक आई मीन इट्स अ ह्यूमन बॉडी और बहुत ही नॉर्मल फैक्ट है कि दिन में जब आप खाना खाओगे, पानी पियोगे, जब आप टॉयलेट जाओगे, तो आपका वेट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता जाएगा, स्पेशली डिजिटल स्केल पे, व्हिच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. एंड बट नॉर्मली व्हाट वी कैन ऑलवेज डू इज, ऑफ कोर्स इफ यू आर टेकिंग योर, इफ समबडी इज ऑन दिस जर्नी और वो अपना वेट रोज ले रहे भी हैं, एज लॉन्ग एज डे वन और डे सेवन के बीच में देर इज अ डिफरेंस, दैट इज व्हाट मैटर्स. क्यों दिन में कभी 500 ग्राम ऊपर जाएगा, कभी 300 ग्राम नीचे जाएगा, कभी 300 ग्राम ऊपर जाएगा, कभी 500 ग्राम नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा सा ग्राफ चलते जाएगा. बट रिमेम्बर कि ये वाटर वेट है. सो ट्रू. आप जो खा रहे हो वो इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट होके वेट नहीं बढ़ रहा, या वो खाने का ही वेट होएगा. करेक्ट. तो ऐसे नहीं होता. तो बेसिकली अगर आप वेइंग स्केल पे खड़े हो रहे हो, तो ऑलवेज द बेस्ट टाइम इज टू डू इट एम्प्टी स्टमक ऑन एन अर्ली, इन द अर्ली मॉर्निंग आफ्टर यू हैव बीन टू द टॉयलेट. उसके बाद आप करो एंड कीप दैट कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे, एंड देन ऑफ कोर्स सी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट डे एंड द सेवंथ डे. दैट विल टेल यू अ गुड डिफरेंस कि हाँ, ये हफ्ता चाहे मेरा एवरी डे ऊपर नीचे हो रहा था, नॉट अ प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ सेवन डेज मेरा 1 kg या 500 ग्राम या 1.5 kg जितना भी है वो कम हुआ है. तो शिवम, बहुत टाइम मैं नोटिस करती हूँ कि लोगों के बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि ये शादी आ रही है घर में, या हमें छुट्टी पे जाना है, सो आई वांट टू लुक गुड. सो इसके बारे में आपका क्या टेक है? शॉर्ट टर्म गोल्स होना एक बुरी बात नहीं है. यू शुड हैव शॉर्ट टर्म गोल्स, व्हाई नॉट, बट योर प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी योर लॉन्ग टर्म गोल्स. वो होना बहुत ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में आफ्टर अ ईयर, 2 years, 3 years, 4 years और इवन 5 years आपको बेसिकली हेल्थी रहना है. आपका जो लाइफस्टाइल है वो एक ऐसे बैलेंस में आ जाए जहाँ पर आपको वेट लॉस और फैट लॉस के साथ बैटल नहीं करना पड़े. वो कभी वो सिचुएशन तक पहुँचे ही नहीं जहाँ पर आपको उस फैट लॉस या वेट लॉस की जर्नी पर जाना पड़े. तो और उसके लिए अगर शॉर्ट टर्म गोल, जैसे सपोज के ठीक है, ये महीना मेरा गोल ये है, ये मुझे इतना वेट लॉस करना है और दूसरे महीने में इतना, तीसरे महीने में इतना, ये सब ठीक है. बट अगेन लोग कहीं ना कहीं गलत रास्ते इस्तेमाल करते हैं. सो अगर बोलते हैं कि 3 महीने में मेरी बहन की शादी है या मेरी शादी है, तो वो 3 महीने के लिए दे आर ओके टू यू नो काम वाम सब छोड़ के सबैटिकल लेके दिन में 4 घंटा वर्कआउट करना, क्रैश डाइट करना. आई पर्सनली डोंट I'm not a fan of this. I don't approve of this because आपने वो 3 महीने में गोल तो हासिल कर लिया, चलो कोई बात नहीं, बट वो आपकी लाइफस्टाइल नहीं है. सस्टेन कैसे कर पाओगे? सस्टेन नहीं कर पाओगे. और जो चीज आप सस्टेन नहीं कर पाओगे वो कभी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी नहीं. तो 3 महीने के बाद जब आप वापस काम शुरू करोगे, अपना नॉर्मल 1 hour वर्कआउट करोगे, खाना भी नॉर्मल खाओगे, तो बॉडी को आपने उतना टाइम ही नहीं दिया है एडजस्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो स्क्वायर वन पे वापस चली जाएगी. तो ऑलवेज अप्रोच द गोल विद अ मोर सस्टेनेबल आइडिया. समटाइम्स ओके फाइन, आई एग्री कि अगर कुछ प्रोजेक्ट है और ठीक है शादी है और कुछ ना कुछ करके वहां पहुंचना है तो ठीक है, बट देर आई मीन ऐसा ऐसी लाइफस्टाइल जियो और ऐसा सोचो, ऐसा करो कि वो सिचुएशन ही ना आए. आई हैव डन कीटो, आई हैव डन इंटरमिटेंट फास्टिंग, आई हैव डन पेलियो, आई हैव डन जोन, मैंने हर एक टाइप का डाइट कर लिया. सारी डाइट्स में मुझे रिजल्ट्स भी आए. मैं वेट लॉस के लिए तो नहीं जा रहा था, बट जो भी डेफिनेशन, रिपनेस, लीन मसल जो भी है सब कर लिया. बट आखिर में आपने बोला था कि ठीक है शिवम, डू वॉट एवर यू हैव टू, नॉट अ प्रॉब्लम, बट रिमेंबर वन डे you will reach a point जहाँ पर आप एक balanced diet और एक balanced lifestyle follow करोगे. And today that is exactly what we do. हम सब खाते हैं, हम चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी, दाल, थोड़ी सी चॉकलेट एवरी नाउ एंड देन, पिज्जा कभी कभी मन किया तो अगर खाया, बट पॉइंट बींग के एक ऐसी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और बॉडी भी एक ऐसे रिदम में आ गया कि अगर आप उसे बैलेंस में रखोगे तो वो कहीं जाएगा नहीं. और अगर उसे ट्वीक भी करना है तो इतने छोटे ट्वीक्स किए डाइट में या एक्सरसाइज में विदाउट अफेक्टिंग लाइफस्टाइल कि वो रिजल्ट्स भी ऐसे आ जाते हैं. ये नेचर का एक रूल है शुभम कि नेचर थ्राइव्स इन बैलेंस. सो चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो डाइट हो, या वो आपका लाइफस्टाइल हो,
everything will thrive in balance. Correct. So let's talk about the biggest aspect of weight loss, which people always consider as the biggest aspect, which is diet. Itni sari diets hain. Matlab ki there are so many, like every, I think 1 month a new diet comes up. So what is your take on diets? I think ye mera nazariya hai, this is my perspective, and as far as I've been listening to other professionals also speak, jo experience se baat kar rahe, they all say the same thing. Every single person is completely unique. Aisa koi diet nahi hai jo the right way hai, the right diet hai. Shayad keto mujhe suit hota hai, chahe keto kisi aur ko suit nahi hoga. So you need to find a nutrition plan. Pehle to mujhe diet bolna pasand nahi hai, because jaise hi aap diet bolo, logon ke man mein alag alag diet aa jate hai, liquid diet, ye diet, wo diet, carnivore diet, GM diet. So I like to call it basically way of eating or nutrition. So nutrition plan. So if you think about a nutrition plan, it is different for every single person. जो आपको सूट होता है वो आपका न्यूट्रिशन प्लान है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या सूट होता है? अगर आप अवेयर ही नहीं हो, आपका माइंड आपके खाने में ही नहीं है, आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है वो फिगर आउट ही नहीं हो सकता, तो आपको पता ही नहीं चलेगा. एंड दैट इज वाई यू विल ऑलवेज बी लॉस्ट. सो वंस अगेन, द माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू रियलाइजिंग व्हाट वर्क्स फॉर यू, what is making you feel good, yeah, and also making you perform better in the gym or taking you towards that goal of fat loss. So everything is about mindset, Shivoham. Ki andar aapke balance hoga, aapke mind mein balance hoga, to aapke har ek action mein balance aayega. And like I keep saying it, nature thrives in balance. So wahi balance aapki diet mein aayega, aapko kitna khana hai. You also know this, कि हमारी बॉडी हमें साइन देती है. द मोमेंट आर स्टमक इज अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ आर स्टमक इज फुल, अंदर से सिग्नल जाता है ब्रेन को कि ओके स्टॉप ईटिंग. ये ग्रेलिन लेप्टिन का जो भी फंडा है वो आप एक्सप्लेन करना. सो एंड वी लिसन टू दैट सिग्नल. अगर हमारी अवेयरनेस है उस मोमेंट में, वी विल एक्चुअली स्टॉप ईटिंग. क्योंकि योग के हिसाब से हमारा स्टमक आधा खाने से भरना चाहिए, 1/4 of water, and 1/4 should remain empty for proper digestion. Correct. So ये जो awareness है, ये जो mindset है, ये जो balance है, ये develop किया जाता है. It is so important for us, क्योंकि अभी हम diet की बात कर रहे हैं, इतनी confusion है, लेकिन हमारा जो relationship है, because even I have had a weight loss journey, so initially जब वो journey start हुई थी, तो food was an enemy. कि अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो मैं ऐसी हो जाऊंगी, या सो वो एक बहुत गिल्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है फूड के साथ. एंड दैट इज सो डेट्रीमेंटल शिवोहम, क्योंकि आई जस्ट गॉट गूज़बम्स. क्योंकि वो खाना हमारा हर एक सेल बनेगा. दैट फूड विल लिटरली बिकम अस. और हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है अन्न है पूर्ण ब्रह्म, दैट फूड इज डिवाइन. सो कहीं ना कहीं वो मेंटल एस्पेक्ट ऑफ डाइट ऑल्सो टू सी फूड एज समथिंग दैट नरिशेस देम, इट विल गिव देम लाइफ. एक तो बोलते यू आर व्हाट यू ईट, यस, बट उस पे यू आर ऑल्सो व्हाट यू थिंक. यू आर व्हाट यू थिंक, सो यू आर लिटरली व्हाट यू थिंक व्हाइल यू ईट. सो ट्रू. अगर आप मतलब आप चाहे आपको लगे ब्रोकली सबसे हेल्थी चीज है, वेजिटेबल सबसे हेल्थी चीज है वो हेल्थी, लेकिन आप अगर वो ब्रोकली और वेजिटेबल्स उसे दवाई समझ के खाओगे कि जबरदस्ती खा रहा हूँ और अलग अलग अजीब मूड, बहुत अलग इफेक्ट होएगा. तो इफेक्ट बहुत होगा. और कभी अगर आप एक अगर थोड़ी सी पानी पूरी आप खा लो या बर्गर खा लो और मुंह पे स्माइल होगी और आप ये खा रहे हो तो उतना इफेक्ट नहीं होगा. और ये लोगों को समझना जरूरी है कि एक बर्गर से या एक पानी पूरी से वेट गेन या फैट गेन नहीं होता. अगर वो बर्गर रोज हो, हर मील में हो, अगर वो पानी पूरी हर हर मील में हो, तो ये प्रॉब्लम है. सो मेरा भी मन करता है कभी कभी पिज्जा ये सब खाने का. मैं इट्स नॉट दैट आई डोंट ईट पिज्जा बिकॉज आई थिंक इट्स अनहेल्थी. आई जस्ट थिंक समटाइम्स आई कैन रिप्लेस द कैलोरीज विच आई वॉन्ट फ्रॉम पिज्जा विद समथिंग अ लिटिल बिट मोर न्यूट्रिशियस. इट इज
एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन विच यू हैव टू मेक, और वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन आपको तब आएगा जब आप कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन, माइंड ट्रेनिंग, वेट लॉस, फैट लॉस का एक पूरा एक रिलेशनशिप समझो। बिकॉज लोग जब मुझे पूछे सर एक टिप दो ना वेट लॉस, वो एक टिप कैसे मैं आपको दूँ? मैं अगर आपको बोलूँ ठीक है आप ट्रेनिंग में आप वेट्स और कार्डियो कर लो, ठीक है आप कर लोगे, बट अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आप रात को ठीक से सोते नहीं हो, अगर आपको आपके स्ट्रेस लेवल थ्रू द रूफ है, कॉर्टिसोल थ्रू द रूफ, तो वो कैसे होगा? अगर मैं आपको ये भी बोल लूँ कि ठीक है आप मेडिटेट कर लो या आप अपने माइंड पे फोकस करो, आपने वो कर लिया चलो ग्रेट, बट फिर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, न्यूट्रिशन आप संभाल रहे नहीं हो, सब कुछ चाहिए या। नहीं होगा या। तो इट हैज टू बी ए मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड दैट परफेक्ट मिक्स आई फील विल हैपन देन व्हेन योर माइंड इज इन कंट्रोल। बिकॉज जैसे आपने बोला कि अगर आपका माइंड सॉर्टेड है तो आप ऑटोमेटिकली सही खाना खाओगे, सही क्वांटिटी में खाओगे, सही पोर्शन में खाओगे, सही टाइम पे खाओगे, सही ट्रेनिंग करोगे, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी आपसे जो बात कर रही है। जो लोग बोलते सर मैं सुबह को आई एम वेरी हंग्री आफ्टर माय डिनर, हाउ कैन यू बी हंग्री आफ्टर योर डिनर? इफ यू हैड अ गुड मील, यू हैव फूड इन योर सिस्टम, दैट इज नॉट हंगर, दैट इज some imbalance in your mind which yes. you can explain which is causing that hunger. So mind ko apne control mein rakhna bahut, I feel bahut zaruri hai. Ye bahut important aspect hai Shubham, kyunki food ka ek emotional aspect bhi hota hai. वो एक इमोशनल एस्पेक्ट फूड का होता है, इट इज़ कम्फर्टिंग टू अस। तो जब हम डाइट्स की भी बात करते हैं एंड यू सेड कि द बैलेंस डाइट इज इवेंचुअली द मोस्ट सस्टेनेबल डाइट, तो उसमें भी व्हेन वी आर डूइंग सर्टन डाइट्स लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो, जिसमें हम बहुत एलिमिनेशन करते हैं, सो आई ऑल्सो समवेयर फील कि हम अगर डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए, इन दैट वी ऑल्सो हैव टू सी कि हम इसको इमोशनली हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Correct. Because certain people have that mindset, come what may, we can do this. Unka ek aisa discipline hota hai andar, ki they can do it. And there are certain people who really struggle. Correct. Mentally they struggle and they feel very, very deprived. And I have observed ki jab aisa hota hai na, to unko jo results bhi hote hain, wo waise nahin milte. Absolutely. And unki quality of life just starts becoming very depressive and very sad. So as a coach, as a trainer, we need to understand our client as well. Our client ka mindset kya hai? Yeah. What kind of a person is that client? And the person has to understand their own mindset also. So, aap pehle somewhere if, because if you are a better experienced professional, you'll be able to understand your client and then you'll be able to train your client in that mindset. Yeah. तो अगर अगर वो आप जानते हो कि वो क्लाइंट मैक्सिमम एक हफ्ता मेजर करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, आप उसे उस पाथ पे डालोगे ही नहीं। यू विल ट्राई टू मेक इट मोर इजी फॉर देम। वे जो जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि जब हम मेजरिंग की बात करते हैं, यू डोंट रियली नीड ए मेजरिंग कप। सबके घर में कटोरी होती है, सबके घर में एक टेबल स्पून होता है, सबके घर में एक प्लेट होती है, विच इज़ almost the same no matter where you go, whether you go to a restaurant, whether you go to a friend's house, your own house, aur 19-20 to chalta hai. I mean it doesn't have to be 100 grams matlab 100 gram matlab usme se agar 102 nahi hona chahiye, 2 gram chawal zyada aa gaye to matlab fat gain ho jayega, nahi hota waisa. Body is not that weak or fragile or stupid, it doesn't work that way. People need to understand ki utna ek wo military law nahi chalta body pe. The body respond, the body responds better when there is a little bit more ease, smoothness and ease has to be and there. That again has to come from yes. So, जैसे हमने कहा कि balanced diet is the best way to go. Balanced diet के भी different macronutrients होते हैं. There's carbohydrates, there's proteins, there's fats. So, which one according to you is or what is that combination which works best for weight loss? See, again, ये बहुत एक relative चीज़ है. Again, it depends very differently with different people. ये तभी, I mean, it works even depending on कि आपकी activity level कैसी है. Goal क्या है? मेरे अभी suppose मेरे दो client हैं, दोनों को fat loss और weight loss चाहिए. एक थोड़ी सी ज़्यादा fit है, एक beginner है. जो fit है, she lifts good amount of weight and she's been doing it for a while. जो बिगनर है वो अभी अभी जिम जाना उसने चालू किया है,
दोनों का बॉडी वेट सेम है, दोनों को उतना ही लूज करना है, लेकिन बिकॉज जो फिट है, जो स्ट्रांग है, जिसका एरोबिक फिटनेस ज़्यादा बेटर है, वो जिम में ज़्यादा पुश कर पाएगी, जिसका मतलब है वो जिम में ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाएगी, तो उसे मैं न्यूट्रिशन के हिसाब से थोड़ा और खाना दे सकता हूँ, राइट। लेकिन जो बिगनर है वो सेम वर्कआउट में, जैसे फिट क्लाइंट ने सपोज 500 कैलोरी बर्न की, इसने 250 कैलोरी बर्न की, बिकॉज ये उतना वेट नहीं उठा पा रही, इसकी एरोबिक फिटनेस उतनी ग्रेट नहीं है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है, बट उसको मैं सेम कैलोरी नहीं दे सकता बिकॉज वो बर्न ही 250 कैलोरी कम कर रही, तो हर फूड हैज टू बी अ लिटिल बिट लेस। सो बिटवीन प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स, व्हिच वन वुड यू फोकस ऑन मोस्ट? प्रोटीन इज व्हाट आई वुड ट्राई एंड कीप द सेम फॉर बोथ। अगेन, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको उतना प्रोटीन इनिशियली हजम नहीं होता, होगा बट यू हैव टू काइंड ऑफ गेट द बॉडी आल्सो यूज्ड टू इट स्लोली, तो यू स्टार्ट समवेयर एट 20% ऑफ द कैलोरी, देन 25, देन 30, स्लोली स्लोली एवरी वीक यू गो ऑन इंक्रीजिंग, बट द प्रोटीन विल ऑलवेज बी द प्रायोरिटी फॉर बोथ ऑफ देम, द कार्ब्स एंड द फैट। और ये एक फैक्ट है कि इसके, ये दोनों के कॉम्बिनेशन आप चाहे जैसे कर लो, इट विल बी फाइन, लेकिन हम लोग to make it simpler for the client, we say fat आप उतना ही use करोगे जितना आप खाने में जाते हो, तो maximum around 15-20% of the calories will come from fat, उससे ज़्यादा नहीं, because हर खाने में थोड़ा सा fat होता है, पनीर में थोड़ा सा fat होता है, दूध में थोड़ा सा fat होता है, अगर आप chicken खा रहे हो, mutton खा रहे हो, उसमें थोड़ा fat होता है, घी होगा, butter होगा, तो 15-20% तो normal है, बाकी जो बचा वो आपका carbs रहेगा। अभी वो कार्ब्स को आप कैसे करोगे, ऑफ कोर्स दैट इज अ, आई मीन न्यूट्रिशन पे हम एक और भी एक लेंथी एक प्रॉपर डू अ डिटेल्ड वन, यस डू अ डिटेल्ड वन, प्लस मेरा वेबिनार भी है जो ट्रांसफॉर्मेशन पे है, व्हिच इज अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ थ्रू करेक्ट न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग, इट्स अ 3-hour लॉन्ग वेबिनार व्हिच पीपल कैन साइन अप फॉर, उसमें वी विल बी टॉकिंग अ लॉट इन डिटेल, तो वो कर सकते हैं, बट पॉइंट बीइंग कि प्रोटीन को आप हमेशा प्रायोरिटाइज करोगे, और प्रोटीन की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, प्रोटीन जो है उसकी एक सेटाइटी करके क्वालिटी है, जो आपको एक फुलनेस की फीलिंग देता है, और कुछ खाया है कि कुछ खाया है मैंने, एंड आई एम फीलिंग फुल ऑलरेडी, सैटिस्फाइड आल्सो, सैटिस्फाइड, दिस इज जस्ट द नेचर ऑफ प्रोटीन। इफ यू ट्राई वेरी सिंपल थिंग, आप जब खाने पे बैठोगे तो फर्स्ट हैव योर प्रोटीन, जितना आपको प्रोटीन खाना, यू विल सी के ऑटोमेटिकली आप उतने कार्ब्स नहीं खा पाओगे, प्रोटीन फर्स्ट देन योर कार्ब्स, फैट तो खाने में आ रही है, तो इट्स डंप लाइक यू हैव टू ईट इट सेपरेटली, बट फर्स्ट प्रोटीन। अमेजिंग। और इसके साथ आई फील कि जब हम इमोशनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जब आपके सामने खाना होता है तो जस्ट बाउ डाउन एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द फूड, एक प्रेयर भी होती है जो हम लोग बोलते हैं, सो व्हेन वी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड तो वही एनर्जी वो खाने में जाती है, और उसी भाव से आप वो जब वो खाना खाते हो तो आपको कहीं ना कहीं जाके वो बेनिफिट करता है। बिकॉज़ अगेन इट इज नॉट ए डाइट, इट इज अ लाइफस्टाइल। यस यस। और न्यूट्रिशन सिर्फ कैलोरी से नहीं आ रही, कैलोरीज इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, बट द एनर्जी दैट वी टॉक अबाउट इज ऑल अबाउट जो पॉजिटिव वाइब्स एंड गुड वाइब्स और ये सब जो बोलते हैं, that is literally what is keeping us healthy. Now we come to another big part of weight loss journey, which is exercise. उसके बारे में भी बहुत confusion है, weight करें नहीं करें, functional करें, flow करें, क्या करें? एक मेरे हिसाब से एक perfect recipe है, warm up और cool down को छोड़ के आप थोड़ा सा फंक्शनल या थोड़ा सा एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एक्सरसाइज कितना जरूरी है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज, देयर इज एक्सरसाइज एंड देयर इज ट्रेनिंग, टेकिंग अ डॉग फॉर अ वॉक इज ऑल्सो एक्सरसाइज, एंड देन देयर इज लिफ्टिंग वेट्स इन द जिम इज ऑल्सो एक्सरसाइज, बट दैट टेकिंग अ डॉग फॉर अ वॉक is not going to affect the same, it is not going to benefit you the same, it will definitely benefit you agar aap, if you've had a really hard day, bada lamba din hua hai, meetings thi, boss ne chillaya, ghar pe aap aaye bahut stressed ho, tabhi aap apne kutte ko walk pe leke jao to ek aaram milega, us type ki exercise bhi bahut zaruri hai, hamesha wo gym mein
अपने आप को मारने वाली जो एक्सरसाइज है वो जरूरी नहीं है हमेशा. बट अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मसल गेन और वेट लॉस और फैट लॉस, वेट ट्रेनिंग इज सुपर सुपर इम्पॉर्टेंट. मसल जो है, एक छोटे से ब्रीफ में बोलता हूँ, उसके बारे में विल स्पीक लेटर. मसल जो है, इट इज, दे से इट इज अलाइव, इट इज द बिगेस्ट ऑर्गन, इट इज कंसिडर्ड टूडे एज द बिगेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. पहले स्किन था, बट टुडे मसल इज रिगार्डेड एज द बिगेस्ट ऑर्गन. बिकॉज मसल को अगर आप एक्टिविटी नहीं दोगे और खाना नहीं दोगे, मसल विल वेस्ट अवे. सैक्रोपिनिया जिसे बेसिकली बोलते हैं, विच हैपेंस मेनली इन ओल्ड एज, मसल वेस्टेज, वो मसल वेस्ट हो जाएगा, विच इज नॉट गुड. मसल लुक्स आफ्टर अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स. वन इज मसल लुक्स आफ्टर द बाय मेंटेनिंग गुड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. मसल ऑल्सो मेक श्योर दैट यूर इंसुलिन सेंसिटिव. ओके, बिकॉज इंसुलिन इज नीडेड, द ब्लड ग्लूकोज, द इंसुलिन इज नीडेड टू रिमूव द ब्लड ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड टू टेक इट टू द मसल्स, बिकॉज वहां पर वो यूज होते हैं, स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन. तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम्स, बिकम्स बेटर विथ मसल. यू आर एबल टू मैनेज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बेटर विथ मसल. योर ब्लड प्रेशर, योर हार्ट इट्सेल्फ is a muscle, gets worked when you're weight training, when you're doing a little bit of aerobic training. Your bone density, your bone health, because of the resistance, the muscle jo bone pe jo resistance dalti hai while weight training, us resistance ke wajah se the bone density improves, the health improves. Your hormonal balance improves. Somewhere you release those endorphins, serotonin, all that feels good. And that in fact makes you feel a little bit better. तो कहीं ना कहीं वो एक mental health पे भी काम करते हैं. तो weight training and muscle is super super important. That being said, थोड़ा सा functional training, थोड़ा सा high intensity training. Intensity हर एक जन के लिए relative है. आपकी intensity मेरी intensity से अलग होगी, लेकिन मेरा 70% आपका 70% same होगा. Yeah. तो जब हम हाई इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यू वांट टू ट्रेन समवेयर बिटवीन 70, आपका 70% आपके लिए 70% होगा, मेरा 70% मेरे लिए 70% होगा. दैट इंटेंसिटी विल बी द सेम फॉर बोथ ऑफ अस. यस, बिकॉज़ यू विल फील द सेम एट 70% ऑफ योर. यस, आई विल फील द सेम एट माय ओन 70%. बट एक्सटर्नली दे कुड बी वेरी डिफरेंट. यस, और सो हाई इंटेंसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग बिटवीन 70-80% ऑफ योर एफर्ट, मैक्स एफर्ट, उसे हाई इंटेंसिटी बोलते हैं. एंड दैट अगेन should be done ज़्यादा से ज़्यादा 12-15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं. उसको चाहे एक कंटिन्यूस वे में बोलो, जैसे हम AMRAP बोलते हैं, एज मैनी रेपिटेशन एज पॉसिबल. अपने 4 एक्सरसाइजेज ले ली, सबके 10-10 रेप ले लिया, और उसको बस करते गए एक सर्किट में. जैसे जैसे रेस्ट आपकी हुई वैसे रेस्ट हुई, ऐसा कोई सर्टन रेस्ट पीरियड नहीं. दूसरी होती है इंटरवल ट्रेनिंग, जहाँ पर या तो आप 20 seconds work, 10 seconds rest, 40 seconds work, 20 seconds rest. जैसे आपको करना है आप वो वैसे करके आप डिजाइन करो प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम. बट 12-15 मिनट वो फंक्शनल ट्रेनिंग विल बेसिकली हेल्प यू, बिकॉज जिस वो इंटेंसिटी के वजह से, वो हार्ट रेट एलिवेशन के वजह से, यू विल बर्न मोर कैलोरीज, प्लस यू विल बर्न मोर कैलोरीज आफ्टर द वर्कआउट इज ओवर. बिकॉज बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है वापस रिलैक्स करने, तो उस रिलैक्सेशन के वजह से यू विल कीप बर्निंग एनर्जी थ्रू आउट. एंड देन देयर इज वेट ट्रेनिंग. तो फंक्शनल ट्रेनिंग ने आपकी कैलोरीज बर्न की, वेट ट्रेनिंग ने हेल्प इन इंक्रीजिंग मसल. और जितना मसल आपके पास होगा, उतना हाई आपका मेटाबॉलिक रेट होगा. और मेटाबॉलिक रेट का मतलब यह है कि अगर हम बस बैठे रहे पूरा दिन और कुछ ना करें, that the basic energy required for your body to function. Correct. So yeah. Your body still needs energy yes. to stay alive. Yeah. तो अगर दो जन बैठे 70 किलो के, एक के पास अराउंड 40 kgs ऑफ मसल है, दूसरे के पास 20 kgs ऑफ मसल है, जिसका 40 kgs ऑफ लीन मसल मास है, उसका BMR ज्यादा हाई होगा. yes. तो बैठे बैठे ज्यादा एनर्जी बर्न करेगा, ज्यादा ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, और जो दूसरा है वो उतनी कैलोरीज बर्न नहीं करेगा. तो इसका बेनिफिट ये होता है कि बिकॉज यू आर बर्निंग मोर कैलोरीज व्हाइल डूइंग नथिंग, and then you are of course exercising and everything, you don't need to go into a very big deficit when you eat food. Because mera manna ye hai ki nutrition ko hamesha priority deni chahiye. Make sure that you get the nutrition that your body needs to be healthy, to survive, to perform.
और फिर देर आर अलग दूसरे तरीके हैं वही कैलोरीज बर्न करने की। तो एक फंक्शनल ट्रेनिंग हुआ, एक वेट ट्रेनिंग हुआ, एंड आई फील कि ये एक परफेक्ट रेसिपी है ट्रेनिंग वाइज। एनीवन हु वांट्स टू लूज वेट और लूज बॉडी फैट, अगर आप ये फॉलो करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द अदर पैरामीटर्स ऑफ गुड स्लीप, ऑफ प्राणायाम, सम काइंड ऑफ मेंटल वेलबींग प्रैक्टिस, न्यूट्रिशन, supplementation, everything together, तब जाके you can get your goal. मेरा एक और take है even from the emotional aspect of exercise. क्योंकि जब हम exercise, जब भी कोई इंसान start करता है ना, तो बहुत gradually start होती है। अरे बिल्कुल करने का मन नहीं करता है, and we really push ourselves. तो इस पॉइंट पे विल पावर बहुत काम आती है, और विल पावर भी हमारा एक स्किल है जिसको हम डिवेलप कर सकते हैं और करना चाहिए। और वो विल पावर हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? दैट कम्स फ्रॉम अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग शिवम कि मेरे लिए अच्छा क्या है। और वो कब हम डिसाइड कर पाएंगे? जब हम थोड़े लाइफ सेंट्रिक बनेंगे। सो आई कॉल दिस कॉन्सेप्ट बीइंग लाइफ सेंट्रिक, कि जो लाइफ मैं हूँ, द लाइफ दैट आई एम, उसके लिए बेस्ट क्या है। जैसे लोग बोलते हैं अरे करना पार्टी करना, एक और रात करते ना, क्या है उसमें, एक ही तो जिंदगी है। और हम लोग सोचेंगे यार एक ही जिंदगी है, थोड़ा संभाल के जी ले। Exactly. पार्टी करने की क्या जरूरत है, थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। Exactly. ट्रेनिंग करते हैं, एक ही तो जिंदगी है, ठीक से जीते। तो एक बार आप अगर प्रायोरिटाइज करो कि नहीं, I'll do what is good for me. मुझे हेल्थी रहना है बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट टू फील गुड, देन ऑटोमेटिकली that willpower aspect becomes easier. Yes. Because फिर आप वो सारी चीजें करोगे जो actually आपको अच्छा feel कराती। ये एक बहुत interesting चीज है जो मैं मेरे सारे seminars में mention करती हूँ, कि जब कोई चीज हमारे लिए जरूरी होती है ना, तो हम कभी ये question नहीं करते mind में कि ये easy है कि ये hard है। You just do it. Nike ने भी बोला है, you just do it. और ये एक mindset बन जाता है, नहीं ये मेरे लिए important है, I will do it. और लाइफ में कोई भी अचीवर्स होते हैं ना शिवम, उनका ये माइंडसेट कहीं ना कहीं रहता है। Correct. चाहे उन्हें 5 बजे सुबह उठ के वर्कआउट करके फिर काम पे जाना है, या उन्हें कभी लेट काम करना है, वट एवर दे नीड टू डू, वो जो हार्डवर्क का जो एक डिसिप्लिन बनता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आई वॉन्ट टू डू दिस। मेरा एक क्लाइंट है ऑस्ट्रेलिया में, he's got his own business and everything, and he's got his family. Just to make sure, when his business starts very early, to make sure that he goes to office on time, does the work that he needs to do, and then comes back and spends time with the family, वो सुबह 3:30 बजे उठ के जिम जाता है। Wow. So where there is a will, there is a way. There is always a way. Yes. And I remember. And he's absolutely fine. And I remember when you were training Aamir Khan for Lal Singh Chaddha, then and he had to get ready for his shot. In the morning, he used to train at 3:30 in the morning before his makeup. So this is what I meant. जब आप कुछ करने पे आते हो ना, तो करके रहोगे, and this kind of a mindset has to be developed. Weight loss का एक बहुत important aspect होता है rest and recovery. हमने nutrition की बात कर ली, diet की बात कर ली, mindset की बात कर ली, rest और recovery भी उतना ही जरूरी है. Of course. So rest कितना important है हमारी weight loss journey के लिए? रेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है कि द बॉडी रिकवर्स, द बॉडी रीबिल्ड्स, और जो एनाबॉलिक विंडो बोलते हैं, जहाँ पर एक्चुअली बिल्डिंग हैपेंस, दैट हैपेंस ड्यूरिंग ईटिंग एंड हैपेंस ड्यूरिंग रेस्टिंग। और वो रेस्ट अगेन, जैसे सबको मालूम है कि रात को एक सोने का पर्पस ये है, बिकॉज इन द नाइट द बॉडी बेसिकली गेट्स टू रेस्ट, गेट्स टू रिकवर, गेट्स टू रीबिल्ड एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग एल्स शट्स डाउन इन द बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं, बिकॉज जो रेस्ट और रिकवरी है दैट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। जब आप अपनी बॉडी को, जब आप अपनी माइंड को, यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, व्हेन इट्स नॉट टू ऑक्यूपाइड, देन इट इज़ फ्री टू डू व्हाट इट नीड्स टू डू। तो सोते टाइम भी अगर देर आर पीपल हु, जिनका नॉर्मल नेचर भी होगा कि वे दे आर ओवर थिंकर्स और वॉट एवर, बट अगर वो अपने आप को शांत नहीं कर पाते सोते टाइम,
या सोने से पहले, वो जब वो लोग स्पेशली रियलाइज करेंगे कि व्हेन दे वेक अप इन द मॉर्निंग देर नॉट दे डोंट फील एज फ्रेश, दे फील के नहीं यार मुझे ठीक से स्लीप नहीं आई, आई नीड टू स्लीप अ लिटिल बिट मोर. सो अगेन रेस्ट एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट द रेस्ट एंड रिकवरी ओनली हैपेंस विद द माइंड. बिकॉज अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड होगा तो जो आपने न्यूट्रिशन खाया है, जो सप्लीमेंटेशन लिया है, जो भी आप कर रहे हो, दैट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली फॉर दैट प्रोसेस. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर बीइंग ड्रॉन टुवर्ड्स स्ट्रेसफुल कंटेंट, एक्सेसिवली कंपैरेटिव कंटेंट, एक्सेसिव कंपैरिजन चल रहा है दिमाग में, सो दैट मेंटल स्ट्रेस कीप्स बिल्डिंग अप. एंड वी ऑल नो एक्सेसिव स्ट्रेस से क्या होता है, देयर इज एक्सेसिव कॉर्टिसोल इन द बॉडी. एंड एक्सेसिव कॉर्टिसोल आपको वेट लूज करने नहीं देगा, इट विल होल्ड ऑन टू द फैट. So this vicious circle has to be broken at the level of again mind. क्योंकि जैसे हम हमारी physical fitness routine है, वैसे ही mental fitness routine बहुत ज़रूरी है. और ये भी मतलब नहीं है कि हमने सिर्फ सुबह ओके प्राणायाम्स कर लिए, हमने breath work कर लिया, हमने affirmations कर लिए, but then again throughout the day we are negative. तो वो एक माइंडफुलनेस थ्रू आउट द डे भी उतनी ही ज़रूरी है, सो दैट वी कीप ब्रिंगिंग डाउन आर स्ट्रेस लेवल्स थ्रू आउट द डे. And only then we will be able to sleep peacefully at night. और अगर हो गया overstimulation तो क्या करोगे? So then before going to bed, have a protocol, have a practice, have a proper breathwork practice. We will talk about the techniques also. You can wind down your system through breath. एक तरीके की ब्रीदिंग होती है, प्राणायाम होते हैं, तो सोने के पहले थोड़ी चांटिंग होती है. यू कैन चांट, यू कैन ब्रीद अ सर्टेन वे, एंड यू कैन वेरी कॉन्शियसली रिलैक्स योर सिस्टम. योग निद्रा इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस फॉर द सेम, जिसमें आप कॉन्शियसली पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं. सो यू दीज टेक्निक्स मेरे हिसाब से हर इंसान को सीखनी चाहिए एंड अप्लाई भी करनी चाहिए. सिर्फ सीखनी नहीं, अप्लाई भी करनी चाहिए, सो दैट दे बिकम अ वेरी फंक्शनल यूनिट बाय देमसेल्व्स. क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे वाइंड डाउन करना है, कैसे अपने आप को पिकअप करना है, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड नो. देयर आर पीपल हु आर एवर्स टू फॉलोइंग सर्टेन मेथड्स, इवन दो पता है कि ये मेथड फॉलो करने से भला ही होने वाला है. और इसके बारे में अदर टॉपिक्स अदर विच वी विल स्पीक लेटर, बट लोगों को पता है कि ये फॉलो करने से मेरा भला ही होने वाला है, बट कहीं ना कहीं दे आर रिबेलियस अबाउट द फैक्ट कि नहीं मुझे नहीं करना. मेरा थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल है, मुझे दो वो सारी चीज़ें दे दो जिससे मेरा भला होगा, जिससे मैं एक अच्छी शांत सुकून में जिंदगी जी सकता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करूँगा. क्यों नहीं करूँ? There is no point in going against the wave. What can you tell those kind of, that kind of a mind? I'm not even saying those people, that kind of a mindset. Yeah, so it is very important, Shivoham, कि हम blame game से situations को blame करके, circumstances को blame करने के बजाय responsibility लें कि जो मेरी life है वो मेरी responsibility है. It is my responsibility to nurture the life that I am. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विल मेक यू टेक ऑल द पॉजिटिव चेंजेस दैट यू नीड टू टेक टू हैव अ फुलफिलिंग लाइफ. सो दैट इज व्हाट आई बिलीव. ओके, सुपर. तो आई थिंक हमने काफी कुछ कवर किया है इस वेट लॉस, इस फैट लॉस एपिसोड में. न्यूट्रिशन भी बात की हमने, ट्रेनिंग भी बात की, बट ऑल्सो फ्रॉम द फिजिकल एस्पेक्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम द मेंटल एस्पेक्ट, बिकॉज अगेन विदाउट द माइंड द बॉडी इज एब्सोल्युटली नथिंग. जैसे कुछ नहीं हो पाएगा, इफ द माइंड इज नॉट इन कंट्रोल द बॉडी तो बस इधर उधर हिल. बट माइंड एंड बॉडी सेपरेट है भी तो नहीं है. नहीं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल सिंपल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. यस, लाइफ इज लिटरली एन इनसाइड आउट प्रोसेस. अगर आप सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करोगे, सॉफ्टवेयर को वायरस फ्री नहीं रखोगे, उसे आप कंट्रोल नहीं करोगे, तो एक्सपेंसिव हार्डवेयर होने का मतलब क्या होगा? So we would also love to hear from you. आपकी कोई वेट लॉस जर्नी है, आपने कोई भी हर्डल्स को, ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके कुछ भी अचीव किया हो, प्लीज शेयर विद अस इन योर कमेंट्स. एंड आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाएं, डू लेट अस नो. एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसी कोई बात है जो आप ओपनली सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, देन
We both are always available for consultations, for private consultations. You can always DM us on Instagram or email, and our team will send you the link. You can book a consultation. We can speak. And फिर देखते हैं आगे वहां से कहां जाना है, कैसे जाना है, साथ में जाना है. We can do that. So thank you for watching. So thank you so much. This is Vrinda and Shivam signing off for now. We will be back again soon with another episode. Thank you so much.